और फाइनली हम आ चुके हैं बुमला पास इंडिया और चाइना की बॉर्डर में। हम फिलहाल बुमला पास जा रहे हैं। सामने देखिए मिलिट्री का यहाँ पे जीप है, यहाँ पे लेके जा रहे हैं हमने। और ये देखिए चीन भूटान की ओर हम निकल चुके हैं। जवान भाई है मेरे साथ, भाई कैसे हो? उत्तराखंड से भाई, डिटेल्स नहीं देते भाई। ठीक है भाई, खूबसूरत व्यू है। यहाँ पे शूटिंग हुआ था, माधुरी दीक्षित ने यहाँ पे आके शूट किया था। और चलिए गाइस, इन सबसे मिलके काफी बढ़िया लगा और यहाँ पे हमने गाना भी गाया। और चलते हैं, बाय बाय। सबसे मिलके बढ़िया लगा, हमको भी आने बहुत ही बढ़िया लगा। गाइस हम फिलहाल बुमला पास जा रहे हैं। ये सामने देखिए मिलिट्री का यहाँ पास, यहाँ पे सामने देखिए मिलिट्री का यहाँ पे जीप है, यहाँ पे लेके जा रहे हैं। हमने यहाँ पे पास लिया एंड उसके बाद ये हमें परमिशन मिला, क्योंकि यहाँ पे जो एरिया है रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, फिलहाल कोई भी यहाँ पे जा नहीं सकते ऐसा टाइम पे। तो उन लोगों से हमने रिक्वेस्ट किया कि हम यूट्यूबर है तो हमें यहाँ पे ब्लॉग बनाना है, शूट करना है, तो वो लोग वहाँ पे लेके जा रहे हैं। हम उन लोगों ने ये भी बोला है कि सामने भाई जाओ लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वीडियो प्लीज शूट मत करना। गाड़ी से जैसे ही बाहर निकलोगे आप लोग बिल्कुल अपने जो फोन है वो गाड़ी में रख लेना। जैसे ही गाड़ी के बाहर निकलेंगे तो हम यहाँ पे वीडियो शूट नहीं करेंगे, लेकिन अंदर से वीडियो यहाँ पे परमिशन लिया है कि शूट कर सकते हैं। और ये देखिए बुमला पास का रोड और सामने मिलिट्री का जो जीप है ये हमें लेके जा रहे हैं। और मैं एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पे जो इंडियन आर्मी है, मिलिट्री के लोग है, बॉर्डर PSF है, सब इतना अच्छे तरीके से रिस्पांस देते हैं, इतना पोलाइटली बिहेव करते हैं। ये सभी देख के डेफिनेटली मेरा जो यहाँ पे एक्सपीरियंस है और बढ़ गया है। और सामने का लोकेशन देखिए गाइस, बारिश हो रहा है लेकिन जो यहाँ पे व्यू है बहुत ही खूबसूरत व्यू बाहर नजर आ रहा है। और ये देखिए बाहर का नजारा, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे बाहर का नजारा देखने को मिल रहा है। और ये देखिए रोड किस साइड में कुछ इस तरीके से व्यू देखने को मिल रहा है। और क्या मस्त रोड है, देखिए सामने का व्यू देखिए बहुत ही बढ़िया। थोड़ा बहुत यहाँ पे बारिश एंड यहाँ पे बर्फ भी पड़ा है और रोड की साइड में कुछ इस तरीके से बढ़िया व्यू देखने को मिल रहा है। देखिए चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत है ना गाइस। और ये देखिए चीन भूटान की ओर हम निकल चुके हैं, सामने जाएंगे और चीन बॉर्डर को दिखाएंगे आप लोगों को अगर हो सके तो, क्योंकि वीडियोस करना अलाउ नहीं है, फिर भी दिखाने की कोशिश अगर मिले तो जरूर करूंगा। एंड भूटान के नजदीक हम है और हम लगभग आ पहुंच गए हैं बुमला पास, जहां इंडिया और चाइना के बॉर्डर के आसपास हम हैं। और ये जो पूरा एरिया है इसे कुछ इस तरीके से कवर किया गया था। इंडिया और चाइना का जब वार हुआ था तब काफी जवान यहां पे मारे गए थे, 10 दिन तक लगभग यहां पे भूखे रहे थे, तो इसी मेमोरी की वजह से यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनाया गया है। और ये कॉन्फ्रेंस हॉल है इंडिया और चाइना का और ये बॉर्डर तक हम आ चुके हैं। ये देखिए सामने इंडिया और चाइना का बॉर्डर, यहाँ पे हम यहाँ पे खड़े हुए हैं और इंडिया में और उस तरफ है चाइना और दोनों ही देश की ये बॉर्डर है। वहाँ पे काफ़ी मज़ा आया गाइस, अलग ही एक्सपीरियंस था। और आर्मी की तरफ से काफ़ी हमें रिस्पांस भी मिला, बहुत ही अच्छी तरीके से उन लोगों ने सभी चीज़ दिखाया, लेकिन वहाँ पे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी इतना अलाउ नहीं था तो ज़्यादा खींचा नहीं। जाने वाले हैं गाइस माधुरी लेक पे। और गाइस हम आ चुके हैं संगस्टर लेक में। ये देखिए वेलकम टू संगस्टर। और ये जो लेक है बहुत ही बढ़िया, आगे यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाऊंगा, इतना बढ़िया ये एक लेक है। और यहाँ पे मैं बता दूं आप लोग को, जो कोयला का शूटिंग हुआ था माधुरी ने यहाँ पे शूटिंग किया था, जिसकी वजह से इस एरिया का नाम भी बोलते हैं माधुरी लेक। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं एंड दिखाते हैं आप लोगों को। और ये देखिए हम आ चुके हैं जो माधुरी लेक है, बहुत ही खूबसूरत लेक है, अट्रैक्टिव प्लेस है। और मेरे साथ यहाँ पे वेदर है एंड उसके अलावा ये और यहाँ पे हमारे जवान भाई है मेरे साथ। भाई कैसे हो? मस्त। आपका नाम? हिमांशु। हिमांशु कहाँ से हो? उत्तराखंड से। भाई डिटेल्स नहीं देते भाई। ठीक है भाई, भाई से मिलके काफी ज्यादा अच्छा लगा। ठीक है। और यहाँ पे चलिए आगे चलते हैं एंड यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत व्यू है। यहाँ पे शूटिंग हुआ था, माधुरी दीक्षित ने यहाँ पे आके शूट किया था और जिसके वजह से यहाँ का जो प्लेस है वो बहुत ज्यादा एक फेमस प्लेस है ये, और बढ़िया बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग ये। सामने देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल ये लेक है, क्या खूबसूरत यहाँ पे देखिए व्यू नजर आ रहा है सामने देखिए, और बढ़िया व्यू है, नजारा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है।
मैं आप लोगों को दिखाता रहूंगा ये जो पूरा लेक है, इंटरेस्टिंग लेक है, खूबसूरत लेक है। और सामने देखिए यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, फैसिलिटीज कैफे है, सब कुछ यहाँ पे खा सकते हो, पी सकते हो। डेफिनेटली काफी एक खूबसूरत ये लेक है, संग स्टार लेक, बढ़िया। और यहाँ पे चलिए आगे का सीन दिखाता हूँ। और यहाँ पे देखिए सभी इंतजाम है, बोट लेकर आप ये जो पूरा लेक है घूम सकते हो। और जो किनारा है इसमें फिलहाल हम खड़े हुए हैं, ये देखिए, और खूबसूरत नजारा, खूबसूरत व्यू यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ठंड भी काफी लग रहा है, लगभग यहाँ पे 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। एंड इस टेम्परेचर में हम यहाँ पे घूम रहे हैं, काफी अच्छा है। और जब यहाँ पे नवंबर दिसंबर जनवरी का महीना रहता है तो यहाँ पे भी काफी ज्यादा यहाँ पे बर्फ पड़ता है, बर्फ से ढका हुआ ये पूरा एरिया रहता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे ठंड शुरू हुआ है अरुणाचल में, एंड इस वाले मौसम में यहाँ पे आके डेफिनेटली काफी मजा आ रहा है। सामने यहाँ पे एक टेम्पल जैसा कुछ है, फिलहाल ये बंद है। यहाँ पे खाना वाना सब कुछ आप खा सकते हो। और बढ़िया लेक, बढ़िया नजारा, बढ़िया व्यू, अट्रैक्टिव प्लेस है। और ये देखिए यहाँ पे जुलनाता शायद फिलहाल नहीं है। और ये देखिए, देखिए पानी किस तरीके से बह रहा है। एंड सामने उस वाले पुल पे चलिए चलते हैं, यहाँ पे एक पुल दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। और यहाँ पे जाके देखते हैं कि वहां से सीन कैसा आता है। बढ़िया सीन वहां पे भी हमें देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। और ये देखिए किस क्या पेड़ है पता नहीं है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत पेड़ है। और ये देखिए डस्टबिन भी यहाँ पे है, और बढ़िया। और यहाँ पे टूरिस्ट के लिए सभी फैसिलिटीज अवेलेबल है। यहाँ पे टॉयलेट की बात करें या फिर बाकी चीज़ों के बारे में, तो सभी फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल है। सामने यहाँ पे एक कैंप है, और इसके अलावा ये देखिए क्या पानी बह रहा है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अट्रैक्टिव प्लेस, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इन वादियों में घूम घूम के काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इस वाले लेक में आके डेफिनेटली मज़ा ही आ गया। और सामने और भी रास्ते हैं, वहाँ तक हम डेफिनेटली जा पाएंगे। क्या कुछ आगे यहाँ पे है उसे भी देखने की कोशिश करते हैं। एंड यहाँ से भी यहाँ पे देखिए पानी है, ऊपर शायद पहाड़ों से ये पानी आ रहा है वाटरफॉल से होकर। और पूरा जो एरिया है बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा अच्छा, हरियाली चारों तरफ, पहाड़ नज़र आ रहा है। ये मैं पूरा जो सनस्टर यहाँ पे लेक है वो कोशिश कर रहा हूँ कि इसे यहाँ पे शूट करूँ। और बारिश भी यहाँ पे काफ़ी हो रहा है, तो चलिए इस वाले लेक से आगे चलते हैं, और क्या कुछ आगे सीन होता है उसे आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और यहाँ पे हम रेस्टोरेंट में फिलहाल आ चुके हैं, एंड यहाँ पे कुछ खाएंगे। और लंच का टाइम है फिलहाल, यहाँ पे लंच तो नहीं कर सकते, लेकिन काफ़ी सारे चीज़ें जिसके मैगी यहाँ पे है, मोमोज है, समोसा है, पकौड़ा है, तो छोला भटूरा है, छोला भटूरा हमने ले लिया 5। इसके अलावा यहाँ पे हमने टी यहाँ पे ले लिया, तो यहाँ पे कूपन दिया जाता है, एंड यहाँ पे बाई है, और कूपन यहाँ से लेंगे, उसके बाद सेल्फ सर्विस से लेना पड़ेगा। अब चले चलते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे चीज़ें जो आप परचेज भी कर सकते हो इस वाले रेस्टोरेंट में, ये खास करके यहाँ पे संगस्टर लेक में ये पड़ता है, ये रेस्टोरेंट बहुत ही बढ़िया है। और पूरा जो एरिया है एंड यहाँ पे जो रेस्टोरेंट है ये आर्मी के जवान चलाते हैं। सर्विस में आ चुके हैं, यहाँ से लेंगे जो यहाँ पे हमने ऑर्डर किया है यहाँ से लेना पड़ेगा। यहाँ पे आने के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है कि ये पूरा एरिया क्लीन है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, जो रेस्टोरेंट है बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा है। और यहाँ पे सभी जो चीज़ें बनाते हैं, बेचते हैं, या फिर ये जो रेस्टोरेंट चलाते हैं इंडियन आर्मी की तरफ से चलाया जाता है। और ये काफ़ी अच्छा मुझे बात यहाँ पर आके मालूम पड़ा, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया संगस्टर लेक में आके। और यहाँ पे हम खाना खा रहे हैं, एंड मैं आप लोग को बता देता हूँ ये जो कैफे है या फिर यहाँ पे जो भी रेस्टोरेंट है आर्मी लोगों का रेस्टोरेंट है, नॉर्मल लोगों का यहाँ पे रेस्टोरेंट नहीं है या फिर होटल नहीं है। इस एरिया में जो सिर्फ आप लोगों को आर्मी लोगों का यहाँ पे रेस्टोरेंट रहता है सिक्योरिटी इशू के लिए। और यहाँ पे एक साइन बोर्ड है संगस्टर कैफे, क्या कुछ यहाँ पे अवेलेबल है सभी यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जो बादल है काफी थम चुका है, बादल यहाँ पे फिलहाल नहीं है, एंड बारिश भी काफी कम हुआ है, तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को
ये पूरा सीन दिखा देता हूँ। ये देखिए बहुत ही बढ़िया सीन, ये रहा पूरा संगस्टर लेक। यहाँ पे देखिए ये वही लोकेशन है जहाँ पे कोयला फिल्म माधुरी दीक्षित ने जो आज हवाएं बंसी बजाई ये गाना यही लेक में शूट किया था, जिसके बाद ये जो पूरा लेक है ये फेमस हो चुका है पूरा इंडिया के लिए और काफी बड़ा एरिया में ये फैला हुआ है। जो एरिया है इसे आप घूम सकते हो। यहाँ पे देखिए हम पैदल यहाँ पे आगे जा रहे हैं। लेक अगर आप अरुणाचल प्रदेश में आते हो तो ये संगस्टर जो लेक है इसमें जरूर आइएगा। और गाइस संगस्टर जो लेक है कुमला पास, जी हाँ बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पे, जो यहाँ पे चाइना बॉर्डर एंड इंडियन बॉर्डर के नजदीक हम जाके पहुंच गए थे। जैसे ही वहां से निकला थोड़ा आगे आया यहाँ पे एक फर्स्ट वाटर जिसमें बहुत ही खूबसूरत बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। ये जो वाटरफॉल है बहुत ही बढ़िया, रास्ते के किनारे ये वाटरफॉल पड़ता है और नीचे का व्यू यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए क्या खूबसूरत यहाँ पे वाटरफॉल है और इसके थोड़ा सा आगे यहाँ पे जो रोड है वो पड़ता है बुमला। ये जो पूरा रोड है ये बुमला जाता है एंड संगस्टर लेक जाता है। तो वहाँ पे घूमने के बाद जैसे ही यहाँ पे आया काफी मजा आया, तो हमने सोचा कि यहाँ पे थोड़ा सा रुकते हैं। इस वाले वाटरफॉल देखने के बाद हम निकल चुके हैं और सामने देखिए इन बादलों से होकर फिलहाल हम आगे की जो जर्नी है वो शुरू कर दिया है। और आगे क्या कुछ जर्नी में हमें देखने को मिला, क्या क्या व्यू देखने को मिला, वो आप लोगों के साथ जरूर अगले वीडियो में शेयर करूंगा। तो अगले एपिसोड देखने के लिए चैनल पे बने रहिए और चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाइए और इस वीडियो को लाइक करें।